बैक इन 2012 मेरा फर्स्ट सी एंटर का अटेम्प्ट था और मैं इतनी बुरी तरीके से फेल हुआ था। और ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई नहीं करा था, मैं पढ़ता था, बट आई मेड सम मिस्टेक्स अलोंग द वे। इस वीडियो में मैं तुमसे वो 3 मिस्टेक्स डिस्कस करूंगा जो मैंने एज अ स्टूडेंट करी थी एंड मैं कॉमनली देखता हूँ ये चीज बहुत लोग करते हैं। नंबर 1, प्रोकास्टिनेट। अब इस काम में मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा था एंड एक ऐसी चीज होती है जो आप महीनों महीनों तक करते रहते हो एंड ऑन अ डेली बेसिस। एंड ये चीज तुम खुद नोटिस करना, मॉर्निंग आफ्टरनून का टाइम बहुत ही आराम से निकलता है। हम लोग ये सोचते हैं कि अभी तो दिन पड़ा है, पढ़ लेंगे आराम से, और इवनिंग में जाते जाते रियलाइज होता है कि भाई पूरा दिन ऑलमोस्ट निकलने वाला है और अभी तक सुबह से कुछ भी ढंग का नहीं करा है। और शाम को फिर वो एंजाइटी पैनिक अटैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई पूरा दिन निकल गया, कुछ भी नहीं करा है, इतना सब कुछ सोचा था, ये करना है, बट कुछ करा ही नहीं। एंड जब वो पैनिक स्ट्राइक करता है तब जाके आंख खुलती है कि भाई बहुत कुछ पढ़ना है। फिर आप ये सोचते हो कि भाई कल से तो पूरा दिन अच्छे से यूटिलाइज करना है, बट अगले दिन भी वही सेम चीज होती है कि भाई सुबह और दोपहर का टाइम आराम से निकलता है एंड शाम को फिर वही पैनिक आता है। एंड प्रोकास्टिनेशन की वजह से तुमने जो भी सोचा था कि तुम आज पढ़ोगे, अब वो नेक्स्ट डे शिफ्ट हो जाता है एंड नेक्स्ट डे का परसों शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे कर करके सारी चीजें पीछे चली आती हैं। तो भाई अगर तुम ये गलती कर रहे हो तो इसको बिल्कुल बंद कर दो एंड यहीं पे रिविजन प्लान्स काम आते हैं। एंड मैंने रिविजन प्लान्स के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो यू कैन चेक आउट दिस प्लेलिस्ट। नंबर 2, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब ये गलती बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है कि हम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ओरली ऑडिट करने लगते हैं। और ये ओरली ऑडिट करने के 2 फायदे होते हैं, पहला कि भाई टाइम सेव होता है, दूसरा एक फॉल्स सेंस ऑफ बिलीफ आता है कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं और मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। बट एक्चुअली जो तुम ओरली ये क्वेश्चंस कर रहे हो उसका मतलब ये होता है कि तुम बुक के सॉल्यूशंस चेक कर रहे हो कि भाई ये सही से लिखे कि नहीं लिखे। एंड ये जो फॉल्स सेंस ऑफ बिलीफ होता है, दिस लीड्स टू ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि अब हमें तो ये लगने लगा होता है कि हमें एडवांस क्वेश्चंस आते हैं तो बेसिक्स करने की क्या जरूरत है। एंड वहीं पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को निग्लेक्ट करने लगते हैं एंड अपना फोकस सिर्फ एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे रखते हैं। एंड एक और कमाल की बात ये होती है कि बहुत से लोगों को पता होता है कि अगर वो ये क्वेश्चंस लिख के करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, बट बिकॉज वो एक फॉल्स सेंस ऑफ बिलीफ के कंफर्ट से बाहर नहीं आना चाहते, इस वजह से वो अपने फियर को फेस ही नहीं करते। तो जब तुम्हें पहले से पता है कि तुमसे ये क्वेश्चंस लिख के नहीं होंगे तो भाई किसका इंतजार कर रहे हो, एग्जाम में ओरली ऑडिट थोड़ी करना होगा। सो जब तक तुम अपने फियर को फेस नहीं करोगे ना, तब तक वो चीजें तुम्हें नहीं समझ आएंगी। नंबर 3, लैक ऑफ स्लीप। मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं दूसरे सक्सेसफुल लोगों को देखता था तो मैं सुनता था कि भाई कोई 4 घंटे सो रहा है, कोई 5 घंटे सो रहा है, और दूसरी तरफ मैं था जो 7-8 घंटे सोता था। तो फिर मुझे ये लगता था कि यार कम सोना चाहिए एंड वो टाइम पढ़ाई में लगाना चाहिए। एंड ग्रेजुअली लोग ये बिलीव करने लगते हैं कि हार्डवर्क का मतलब होता है कम सोना। तो जब मैंने ये चीज ट्राई करी तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि मैं पढ़ने तो बैठ जाता था और आधा टायर्ड हूँ, बस बैठा हुआ हूँ क्योंकि पढ़ना है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग बोलते हैं कि 4-5 घंटे सोया करो, बट जो मेरी एफिशिएंसी थी ना वो धरती के नीचे जा चुकी थी। तो वो चीज तो मेरे लिए बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करी थी। एंड व्हाट इवेंचुअली वर्कड आउट फॉर मी वाज कि मैं 7 से 8 घंटे की नींद लेता था एंड बाकी टाइम जब पढ़ता था तो बहुत ही एफिशिएंटली पढ़ता था। एंड ये चीज बहुत सारे लोगों के लिए वर्क कर जाती है जहां पे वो अपनी एफिशिएंसी पे फोकस करते हैं रादर देन काउंटिंग नंबर ऑफ आवर्स। तो इसीलिए अपना स्केड्यूल ऐसा मत बनाओ जहां पे तुम पढ़ाई में ही घुसे हो पूरा दिन, रादर देन फोकसिंग ऑन नंबर ऑफ आवर्स फोकस ऑन एफिशिएंसी। एंड पता है 16 आवर्स आर मोर देन इनफ अगर तुम ढंग से पढ़ाई करो। सो दीज वर 3 डेडली मिस्टेक्स जो मैंने करी थी एज अ स्टूडेंट। एंड अगर तुम में से कोई भी इंसान ऐसा है जो ये गलतियां कर रहा है तो भाई बंद कर दो ये सब करना। एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक और एनी स्पेसिफिक ट्रिक, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। बाकी मैं मिलता रहूंगा इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।